लास्ट मेरी माँ यहाँ पे बगल पे लगी है सब्जी निकालने पे। नानी देखो कैसे बैठ रखे है, दूर भी चले गए आप। हाँ। हेलो दोस्तों, नमस्कार, आप सभी लोगों को मेरा प्रणाम। तो दोस्तों मेरा नाम है अभिषेक नेगी और मेरे गांव का नाम है सोड़ामन। और आप सभी लोगों को मैं बता दूं कि आज का जो ब्लॉग कर रहा हूं मैं स्टार्ट, तो कर रहा हूं शाम के टाइम 4:30 बजे। तो अभी हम जा रहे हैं सब्जी निकालने और कैसी बनाई जाती है और स्वादिष्ट बहुत होती है ये सब्जी। पहले चलता हूँ मैं सब्जी निकालने। नानी देखो, नानी भी आ रही है ऊपर से, वो देखो। और यहाँ पे भी बगीचा एकदम तन हो रखा है सब्जी से ये। तो दोस्तों यहाँ पे निकालेंगे आज हम हरी सब्जी, ये देखो क्या सब्जी है, ये राई। राई, तो ये सब्जी है राई की और आज इसे निकाल रही है मम्मी। तो आज बनाएंगे इस राई की सब्जी को, ये देखो दोस्त। और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा तो ये है पालक, जो कि अभी जैसे कि गेहूं की फसल नहीं होती तो वैसे ही दिख रहा, तो कुछ ऐसी होती है पालक की सब्जी। और जब ये बड़ी हो जाएगी तो तब ये भी ऐसे ही दिखेगी और अभी कुछ अलग दिख रही है ये देखो। जस्ट मेरी माँ यहाँ पे बगल पे लगी है सब्जी निकालने पे। और दोस्तों आपको सभी जहाँ पे गौशाला के अगल बगल आपको यहाँ पे राई की सब्जी हो चाहे पालक की सब्जी हो तो देखने को मिलेगी, क्योंकि सबका ऐसा ही है कि जहाँ पे गौशाला होगी तो वहाँ पे एक खेत होगा, चाहे वो धनिया हो चाहे लहसुन हो, तो सब चीज़ बोया जाता है गांव के अगल बगल ऐसे, क्योंकि अगल बगल इसलिए बोया जाता है, दूर बोएंगे तो बंदर नहीं रहेंगे, जो जंगली जानवर होंगे तो वो रख नहीं पाएंगे। और जैसे कि बगीचे तो हर किसी के वहाँ पे होते हैं, दूर नहीं होते हैं बगीचे, हर किसी के मकान के सामने होते बगीचे, उसका ध्यान भी रखा जाता है। और जब उसका ध्यान रखा जाएगा तो उसमें अच्छी सी सब्जी होगी, धनिया लहसुन सब चीज़ होगा। तो यहाँ पे निकाल दिए है माने राई की सब्जी, दे दे दे। ओहो आज तो दोस्तों यहाँ का काम भी हो गया है कंप्लीट और सब्जी भी निकाल दी है। और यहाँ एक तो जाने के लिए नहीं है, क्योंकि यहाँ पे गोबर, जो गौशाला का गोबर है, तो सब नीचे फेंक रखा है। और यहाँ पे देखो कितना बड़ा गट्ठा निकाल दिया है हमने राई का, तो आज इसकी सब्जी खाने में आएगी मजा। और यहाँ पे नानी देखो कैसे बैठ रखे है, दूर भी चले गई आप, दूर भी चले गई है। हाँ तो सब्जी बनाएगी यहाँ। तो यहाँ नानी भी थी आ रखी, तो मैंने बोला कि सब्जी बनाएगी। तो दोस्तों ऐसे है कि नानी ही आजकल घर का सारा काम करे, क्योंकि मम्मी जंगल जा रही तो सुबह चाय चुई बना के रख रही और रोटी रोटी खाना खुना सब बना के रख रही। तो पहले मैं सब्जी को रख देता हूँ यहाँ पे। ओ भाई नीचे गिर गई, नीचे गिर गई, उठा उठा, रख दे रख दे जल्दी। ये देखो नानी इतनी स्पीड से आई, यहाँ सब्जी गिरी और नानी उठाने सीधा आ गई। इतनी निकालनी थी, हो जाएगी वो, तू ही बनाएगा सब्जी। तो पहले मैं उस सब्जी को काटने की तैयारी करता हूँ। और सबसे पहले उस सब्जी की बात ये होती है कि उसमें रहते हैं मिट्टी, मीन्स जो जमीन पर होती तो उस पर थोड़ा बहुत मिट्टी रहती है, तो पहले उसे धोते हैं और फिर काटते हैं। तो यहाँ पे रख रही है नानी, बाल्टी में रख दी है सब्जी और पहले इसे धोया जाएगा, क्योंकि ऐसे होता है कि ये सब्जी होती है जमीन पे, तो जमीन पे मिट्टी तो रहेगी, तो थोड़ा बहुत इसमें मिट्टी पत्थर रहते हैं, तो इसलिए इसे पहले धुला जाता है। और यहाँ पे हो रही है सब्जी धुलने की तैयारी, ये देखो। और यहाँ पे धुल के इस परात में डाला जा रहा है इसको। यहाँ पे अभी सब्जी सब्जी भी धुल ली है नानी, और नानी कर रही है सब्जी की गट्टी, जब तक इसकी गट्टी नहीं होगी तो तब तक ये काटा नहीं जाएगा ढंग से। तो अभी चल रही है इसकी गट्टी बनाने की तैयारी ये। नानी इधर देख तो जरा, गट्टी बना रहा बोल, मैं अभी तो यहाँ पे नानी ने बना दी है एक गट्टी, तो जब तक ऐसी गट्टी नहीं होगी तो तब तक ढंग से नहीं कटी जाएगी, मीन्स कोई पत्ते लंबे रहते हैं और कोई
छोटे हो जाते हैं। तो ऐसे गट्टी बना रही है पहले, और इसके बाद मैं इस सब्जी को काटूंगा। अभी मेरा काम हो गया है कंप्लीट। और यहाँ पे देखो दोस्तों, क्या बारीक काट ली है मैंने सब्जी। और यहाँ पे नानी खुश हो गई है कि बहुत ही बारीक, बहुत अच्छी तो अच्छी है। नानी आप बनाएगा कौन इसको? मैं बना लो कि मैंने बनानी? तो दोस्तों अभी थोड़ी देर में करते हैं इस सब्जी बनाने की तैयारी, क्योंकि टाइम भी हो गया है खाना बनाने का। और धूप तो चली गई है, जो कि थोड़ा बहुत धूप रही है पोखरी वाले उस पहाड़ पे और उस हिमालय चोटी पे। और जैसे कि सभी लोगों को पता होगा कि छोटे दिन हो गए, और जैसे ही कि शाम को धूप छिप जा रही तो सीधा अंधेरा शुरू हो रहा, मीन्स अंधेरा हो जा रहा सीधा। अभी चलते हैं अंदर। नानी क्या हो रहा? आग जल रही है। तो नानी यहाँ पे आग जला रही है यार। नानी जला ले जला ले, तूने बोला था इसे ठीक करना वाला आज। ये देखो दोस्तों, नानी ये सब्जी यहाँ पे ला गई है। मेरे को ही रखे है बोल की ये बनाएगा, तो मैं ही बनाता हूँ, कोई बात नहीं, देखेंगे कौन बनाता है। पहले आग जलने देती है। तो दोस्तों देखो, घर के चूल्हे कुछ ऐसे होते हैं, ऐसे कि दो यहाँ पे खाना बनता है, और ऊपर से जो इसका हाई बोलते हैं, मीन्स जो आग छूट के जाती है यहाँ से, तो ऊपर के रास्ता आती है, तो यहाँ पे भी बर्तन रखा जाता है। तो यहाँ का बर्तन भी, यहाँ का खाना भी तैयार हो जाएगा, और ऊपर जो थोड़ा बहुत पानी पूनी रखेंगे तो वो भी थोड़ा बहुत गर्म हो जाएगा। और दोस्तों मुझे अपने नानी के साथ बहुत ही ज्यादा आनंद आती है। नानी पता नहीं कहाँ कहाँ की बातें लाती है, पुरानी की, वो ऐसा था, वो ऐसा था, ऐसा करते थे। तो नानी की बातें सुनकर मुझे भी बहुत खुशी होती है, और कभी कभी ऐसा होता है कि रोना आ जाता है। कल नानी जो सुनाए तो उस बात रोना आ गया था मुझे। तो दोस्तों यहाँ पे आग भी जल गई है, आनंद आ रहा। ये देखो दोस्तों, नानी ने आग भी जला ली है। और जैसे कि बूढ़े आदमियों का कुछ ऐसे होता है कि यहाँ चूल्हे पे बैठने का मन ज्यादा करता है आग से, क्योंकि ठंडा लगता है बूढ़े आदमी को ज्यादा। और जैसे कि मेरी नानी देख रहे होंगे आपकी आग जलाई है तो सेकने पे लग गई है, और बोली है ठंडा हो रहा है तुम्हारे गाँव में, धूप देर में आ रही, तो हम क्या कर सकते हैं, आ रही तो आप बहने ही ऐसे हो गए हैं, तो हम भी क्या कर सकते हैं, धूप भी देर में आ रही है और जल्दी निकल जा रही है। और जैसे कि सीधा धूप ढल रही है तो सीधा अंधेरा शुरू हो रहा है, सीधा रात हो जा रही है। अभी फिलहाल मैं और मेरी नानी है यहाँ पे, और जो मेरी माँ है तो अभी गौशाला में जा रखी है। मेरी माँ क्या सभी गाँव के जो है, तो हो गया है गौशाला का टाइम भी हो गया है, 6-7 बजने वाले है, तो अभी सारे गौशाले में जा रखे हैं, तो मैं बीबी आएगी तब रोटी बनाना स्टार्ट करेगी। और ऐसे रहता है गांव-गांव में, हर किसी की ड्यूटी रहती है, किसी की सब्जी बनाने की ड्यूटी रहती है, किसी की दाल बनाने की ड्यूटी रहती है, तो ऐसे ही होता रहता है गांव में। तो जैसे कि हम अभी सब्जी बनाएंगे और माँ जी आएगी, तो माँ जी बनाएगी रोटी। और जैसे कि मेरे पापा गए हैं अभी काम पे, तो छुट्टी भी देर में हो रही है काम वालों की, क्योंकि किसी का काम है घर का लगा रखा, तो वहाँ के लिए पत्थर निकाले हैं, तो पापा भी देर में आते, नहीं तो पापा रहते तो सब्जी बना के तैयार कर देते। पापा जी भी बहुत काम करते हैं घर का। तो नानी ला गई है अभी कढ़ाई सब्जी के लिए, चल बैठ। तो अभी इसमें डाला जा रहा है तेल, डाल दे, ज्यादा डाल दिया। तो यहाँ पे तेल रख दिया है, और यहाँ पे नानी के हाथ में है ये क्या नानी इधर का, तो ये है घरिया, जो कि जो गांव में होता है तो तुड़के के काम आता है इसमें। हाँ तो दोस्तों ये सब्जी का बीज है, जो सब्जी बूढ़ी हो जाती है ये सब्जी, तो इसपे ऊपर से फूल आना स्टार्ट हो जाते हैं, और उसपे अंदर से ऐसे बीज रखते हैं। ये देखो इसमें ये भी डाल दिया है, और अभी ये तेल होगा तो तब सीधा इस सब्जी को इसमें डालेंगे। और जस्ट यहाँ पे है नानी, पीना है ना एक कप का है, ये जो तल रही थी मेरी नानी जी कल, तो वही पीना है भैंस के लिए, तो जब ये पीना होगा तो तभी भैंस दूध दे पाएगा। और भैंसे को तो ये जरूर चाहिए, क्योंकि उसकी टक इसी पे रहती जा रही कि कब लाएंगे वो पीना, कब देंगे। तो नानी ने दला था अच्छे से कल, और इतना दला था देखो, पानी अजन नहीं दे
तो दोस्तों यहाँ पे हो गया है तेल और नानी डाल के डाल दे। तो यहाँ पे तेल तुल होके सब्जी डाल दिया हमने कढ़ाई में और अब इसको रिंगाया जाएगा। ले भाई नानी ए दोस्तों सीन कुछ ऐसा है इसका, इसमें थोड़ा नमक डालेंगे तब ये गल जाएगी ये सब्जी नमक डाल के। तो इसमें नमक डाल दिया है थोड़ा और अब ये नमक से ऐसा होगा कि गल जाएगी सब्जी। एक बार मैं देखता हूँ इसे रिंगा की, ये रिंगाने की स्टाइल होनी चाहिए दोस्तों, क्योंकि कोई जल्दीबाजी में रिंगा के सब नीचे फेंक देता है सारी सब्जी। मिस जल्दीबाजी होती है किसी को मैं किसी को था बोला अब अपने आप कर लिया वो काम जो दूसरों को समझाया और यहाँ पे देखो दोस्तों यह है बांज की लकड़ी। तो बांज की लकड़ी बहुत अच्छी जलती है, बहुत ही ज्यादा। ये देखो मेरी माँ भी आ गई है यहाँ पे और कंडर रख दिया है ऊपर से, जो कि साथ साथ में पानी भी गर्म होगा इस सब्जी के साथ। ये देखो दोस्तों भाई एक तो साहिब अब जा रहा हूँ ये चल तो इस पे रख दिया है पानी मम्मी ने। तो दोस्तों देखो सब्जी बन के कितनी हो गई है, और इतनी थी सब्जी और बन के देखो कितनी कम हो गई है। और इसमें हमने ऊपर से डट्टा बोलते हैं जो बर्तन रखा जाता है, तो वो नहीं रखा, वो इसलिए नहीं रखा दोस्तों। नानी बोल रही है क्या नहीं होता क्यों नहीं पड़ता मीठा तो दोस्तों नानी का कहना ये है कि इसमें अगर ऊपर से डट्टा रखेंगे मीन्स कोई बर्तन रखेंगे ऊपर से तो ये सब्जी मीठी हो जाएगी और स्वाद नहीं आएगा इसमें। देखते हैं आज स्वाद कितना अच्छा आता है वाला। आज तो यार पता नहीं कितनी रोटी खाई जाएगी यार सब्जी में। और सब्जी तो बन गई है, तो अब सीधा बारी है जब मम्मी गौशाला से आएगी तो मम्मी आटा निकालेगी, आटा गूंदेगी और रोटी बनाएगी। तो अब यही रह गया है रोटी बनाने का काम। यहाँ पे देखो पापा सीधा आए और यहाँ पे अपने काम पे लग गए। ये देखो ओ दोस्तों ये है दाल का मसेटा जो रोटी के अंदर डाला जाएगा और तब रोटी पे स्वाद आएगा बहुत ज्यादा। जो ये भट्ट है तो भट्टों का बनाया जाता है ये। दोस्तों दो काम आता है, एक रबड़े का काम और एक आता है मसेड़ी रोटी बोलते हैं जिसको, रोटी के अंदर डालने का काम। तो यहाँ पे ये काम भी कंप्लीट हो गया है और हो गया है बारीक। तो अब आपको बताया जाएगा कि कैसे बनाई जाती है इसकी रोटी। और अभी इसमें नमक मिलाया जा रहा है ये। तो आपको पता ही होगा कि आपने खाई होगी ऐसी रोटी, तो आज जिसने नहीं खाई तो बताया जाएगा कि कैसे बनाया जाता है, कैसे रोटी के जिनसे आटे के अंदर डाला जाता है। और यहाँ पे सामने पे आटा गूंदा जा रहा है अभी। देखो दोस्तों और खाने वाले हैं पांच, जैसे कि नानी, मैं और पापा, मम्मी और मेरा भाई। तो यहाँ पे सभी काम हो गया है कंप्लीट, आटा भी गूंद लिया है और अब बारी है इसकी बनाने की। ये देखो दोस्तों ऐसे इस प्रकार ऐसे डाला जाता है और ऐसे बंद किया जाता है इसको और ऐसे घुमाया जाता है थोड़ा बहुत और इस पे धूल लगा के बेलन में रखा जाता है और तब इसको बेला जाता है। ये देखो ऐसे बेला जाता है दोस्तों इसको। तो ये भी ठीक होना चाहिए, ये ज्यादा गीला भी नहीं होना चाहिए और ज्यादा टाइट भी नहीं होना चाहिए।
क्योंकि ये गीला हो जाएगा तो बाहर आ जाएगा। ये हो गया है तैयार, यहाँ से यहाँ गई और यहाँ से जाएगी इसमें, और ये वाली देखो बनके हो गई है तैयार। यहाँ पे हो गया है पापा का काम भी कंप्लीट और ये वाली रोटी बना दी है, तो अब इसे खाने में आएगा मजा। और जो ये आटा बच सका है तो इसकी बनेगी रोटी। और यहाँ पे माँ ने रोटी बनाने का काम भी स्टार्ट कर दिया है, तो यहाँ पे बन रही है अभी रोटी। और यहाँ पे पापा देखो मक्खन, और पापा ने निकाल दिया है इस कटोरी में मक्खन, क्योंकि एक कटोरी मक्खन निकाल दी है तो इसमें खाएंगे इसको। ये देखो, ये देखो दोस्तों, तो दोस्तों आज का ब्लॉग में रखता हूँ इतना ही। अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगता है, पसंद आता है, तो लाइक कमेंट और वीडियो को शेयर करना ना भूलें।